और अगर किसी का स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी फील कर पाएगा, बहुत तगड़ी नेगेटिव एनर्जी वाइब आ रही है। एक बता रहे हैं कि रानी का तालाब जो है वो वहाँ पे मतलब कुछ है, नेगेटिव एनर्जीज है, जो कि ऋषि भाई बता रहा था। हमारी ऋषि भैया जो है वो पहले ही बता रहे थे कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा सुनने में आता है भूत प्रेत का वहाँ पे है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागराज में। और आज हम लोग सुबह के 5 बजे, अभी लगभग 5:30 का टाइम हो रहा है, और हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज शहर से लगभग 38 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पे। लोकेशन का नाम है रानी का तालाब, और अभी हम लोग खड़े हुए हैं अंदावा चौराहे पे, जो कि सहसो रोड जाती है अंदावा चौराहे से, उस रास्ते पे खड़े हैं, जैसा कि आप पीछे बोर्ड देख सकते हो। तो यहाँ से हम अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं, और चूंकि ठंडी का मौसम आ चुका है, सुबह सुबह बहुत मस्त वाली, अभी ठंडी उतनी खास पड़ी नहीं है, लेकिन हाँ गलन है। तो इस ठंडी की शुरुआत में हमने भी अपने ट्रिप की शुरुआत कर दी है, और प्रयागराज शहर से महज 38 किलोमीटर दूर, आइए आपको लेकर चलते हैं रानी का तालाब। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है अंदावा चौराहा, और ये देखो आप देख सकते हो, ये अंदावा चौराहे से सहसो वाली रोड की तरफ बढ़ना है, और आगे फिर आपको लोकेशन पूरी बताएंगे। बाकी गूगल मैप में रानी का तालाब फूलपुर अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फूलपुर में वैभव का गांव भी है, और वैभव भी व्लॉग कर रहे हैं, और यहाँ पे लाइटिंग ली गई है, चूंकि 5:30 बजे अभी सनराइज हुआ नहीं है। भाई देखो हल्के हल्के जो है ना सूरज मतलब उदय होने वाला है, अभी बहुत प्यारा शॉट आएगा, तो ड्रोन शॉट भी लेके आपको दिखाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं, इतने लोगों को कोलैब हो जाएगा ना। तो दोस्तों ये मैं चला रहा हूँ ऋषि भाई की रॉयल एनफील्ड हंटर, देखो साला पूरा कॉपी कर रहा है ना। चलो चले पूरा दिखते उतार दे, जो जो कर वो वही करी, तुम बहुत यही कर रहे हो। ए जहाँ हम लोग चल रहे हैं वो तुम्हारा गांव भी पड़ता है ना, तो आते वक्त नाश्ता वास्ता करवाओगे? ठीक है। तो भाई यहाँ पर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सहसो चौराहे पर, अंदावा चौराहे से। ए अंदावा चौराहे से कितना किलोमीटर है सहसो? 12 हो रहा है ना, 10-12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अंदावा चौराहे से हम लोग आ चुके हैं बढ़ के सहसो चौराहे पर, और अभी सूरज जो है राइज होने वाला है, सनराइज थोड़ी देर में हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा मस्त व्यू आएगा। लेकिन अभी हल्की हल्की लाइट्स आ चुकी हैं, और यहाँ पर सब ब्लॉक कर रहे हैं, मजा ही आ जाएगा। तो भाई लोकेशन, अभी लोकेशन ढूंढते हैं चाय की। ऐसे लग रहा है कि जो है ऐसे लग रहा है ना, जो तुम लोग चार लोग ना ऐसे कैमरा लेके ऐसे चिल्ला रहे हो ना, ऐसा लग रहा है वो ग्रहण का दान मांग रहे हो, सब लोग ग्रहण का दान दे दो। तो भाई मस्त सी चाय की लोकेशन तलाशते हैं और चाय पीते हैं, ताकि नींद से हम लोग उठ पाए। और बाकी ये अभी हमारे ऋषि भाई ने लिया है रॉयल इनफील्ड का हंटर, भाई बहुत सेक्सी गाड़ी लग रही है, और मेरा भी मन कर रहा है इसे ले लूं, और रेडर भी रहेगी, रेडर बेचेंगे नहीं, लेकिन इसे भी सोच रहे हैं ले लें लंबी ट्रिप्स के लिए भाई, पक्का। और इसे इसके साथ एक बहुत लंबी ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं निकलेंगे दिवाली के पहले भाई, कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे, सरप्राइज ट्रिप है। हमें भी ले चलिए, जहाँ भी ले चलिए हमें। इसको ग्रहण दान दे भाई, ग्रहण का दान दे। तो दोस्तों अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं शुक्ला जी भोजनालय, और तिवारीपुर गांव के पास में, वैभव के गांव से बहुत पास में ही है, और वैभव बताता है कि यहाँ पे खाना ना बहुत बढ़िया मिलता है। तो चलो चाय पीते हैं शुक्ला जी भोजनालय पे, और भाई सनराइज हो चुका है, सूरज ये पेड़ के पीछे ही है, तो सूरज ने शॉट लिया है, वो डालेंगे व्लॉग में। आ जाओ भाई, और कहा रानी तालाब जाना था, रानी तालाब वहीं जा था ही। तो ये हमारे ऋषि भाई है, गुजराती में थोड़ा सा व्लॉग करेंगे, स्टार्ट हो जाए। तो बधा मित्रों ने नमस्कार, आज आपणे आवी ग्या छे अहीं चा पीवा, અને સવારે સવારે નીકળ્યા છે, હવે એકદમ બપોરમાં નીકળ્યા છે, અને અત્યારે આપણી પાસે પાપડી અને ગાંઠિયા અને એની સાથે ચા, ભાઈ મજા આવી જશે। वैसे समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप ध्यान से सुनो ना, भोर में निकले थे हम लोग, यहाँ चाय पीने आए थे, ये देखो यहाँ पे तंदूरी चाय, मजा आना चाहिए बस, क्या आओसे वैभव के पैंट पे चाय गिर चुकी है ना। कैसे ए कैसे गिर गई, कैसे गिर गई? जूता पूरा जूता यार भीग गया यार, चाय में थोड़ी देर में फिर नुकसान कर दिया मिल जाएगा, बैग पूरा चमचमाएगा मम्मी। भाई साहब चाय के बाद यहाँ पे पेलम पेल पराठा चल रहा है, और ये अकेले एक पराठा है, कितने का पराठा है? 50 का लो भाई खाओ, महाराजा पराठा भाई, खतरनाक पराठा की क्वांटिटी देखो, 6 मंगा लिए थे लेकिन मैं नहीं खा रहा, तो पराठा खाओ जल्दी चलते हैं भाई, धूप हो रही है।
भैया शुक्ला जी ढाबा अगर आते हो शुक्ला जी भोजनालय तो यहाँ पे 50 रुपए का मात्र पराठा, और भाई इतना हैवी और इतना टेस्टी पराठा भाई लोग बता रहे हैं। थानापुर सहसों में शुक्ला जी भोजनालय आप अगर आते हैं जरूर खाइए। तो भाई यहाँ पर स्टॉपेज कुछ ज्यादा ही हो गया, सबने पराठा वगैरह खा लिया, चाय पी लिया, तो लगभग 1 घंटे का स्टॉपेज हमने यहाँ पर ले लिया। और अब यहाँ से चलते हैं सीधे रानी का तालाब, जो कि हाँ लोकेशन का नाम है रानी का तालाब, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, और एक और लोकेशन है वहाँ से 24 किलोमीटर दूर, तो वहाँ भी जाएंगे। चलो लोकेशन पे पहुँच के आपसे मिलता है। तो दोस्तों शुक्ला जी भोजनालय से आपको जौनपुर वाली रोड पकड़नी है, मतलब वही रोड को जब सीधे आप कनेक्ट करोगे तो जौनपुर को जाता है वो रास्ता। तो जौनपुर वाले हाईवे पे हम लोग अभी हैं, और यहाँ पर अल्लाहपुर जो मेरा घर है वहाँ से 37 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं रानी तालाब, और यहाँ पर हनुमान मंदिर है, और अभी रामलीला, यहाँ पर रामलीला वगैरह भी होती है। तो चलो अंदर चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अलग सी यूनिक सी लोकेशन है। और एक और लोकेशन है चनेथू, बगल में 24 किलोमीटर दूर शिव जी का 50-60 फीट ऊंची मूर्ति है, जो हम लोग एक बार कवर किए थे, तो वो भी कवर करेंगे। फिलहाल अभी आओ रानी तालाब आपको घुमाते हैं, ये कुछ यहाँ का माहौल है। तो जैसे दोस्तों आप एंट्री करोगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो आप, और यहाँ पर ये रानी का तालाब है, और इसकी हिस्ट्री जानते हैं हम लोग यहाँ के लोगों से, ना यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि ये जो रानी का तालाब है ये 1819वीं शताब्दी का है, 18वीं या 19वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, और बाकी इसमें सारी डिटेल दी हुई है। 100x100 मीटर के वर्गाकार क्षेत्रफल में निर्मित है, और इस स्मारक का निर्माण पक्की ईंटों व प्रस्तर पट्टियों के द्वारा किया गया है, और इसमें सारी डिटेल दी गई है। तो महिलाओं के नहाने के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये रानी का तालाब। हाँ भैया नहाने होने का भी सीन रहता है, लोग नहाते भी हैं, पानी साफ है ये पूरे तरह से साफ है, लेकिन बहुत गहरा भी तो होगा, गहरा बहुत। तो ये जो नहाते हैं तो वो जो बैठ के नहाते होंगे ऐसे बाल्टी से, लेकिन हमको पानी तो नहीं लग रहा साफ, हरा हरा लग रहा है। साफ है? नहीं साफ नहीं है ना यहाँ का। वैसे मतलब लोग आते हैं घूमने घामने आते हैं, और ठंडी के टाइम में बढ़िया रहता होगा यहाँ पे माहौल ना। हम लोग प्रयागराज से 38 किलोमीटर दूर हैं शहर से, ये जो है फूलपुर तहसील में हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पे भाई लोग मिल गए, हमको लगा मतलब ऐसे हम लोग का ड्रोन देख के आ गए होंगे, लेकिन ये लोग हमारा पेज देखते हैं, कहे कि अभी आप जो है शुक्ला जी भोजनालय से जब लाइव आए थे, कौन आया था लाइव, तुम आए थे क्या लाइव? अच्छा स्टोरी लगाए थे, तो भैया ने देखी, और जो है मतलब इतने दूर भी लोग जानते हैं तो बढ़िया लगता है पेज उस पर। क्या बात है। तो इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, यूट्यूब पे भी हमारा घुमक्कड़ प्रयागी के नाम से है, तो 1 लाख होने वाले हैं यूट्यूब पे भी, तो यूट्यूब पे भी आप लोग देखें, ये जो व्लॉग आपका शूट कर रहे हैं यूट्यूब पे आएगा, घुमक्कड़ प्रयागी डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और भाई यहाँ से जब उतरोगे और उतरते वक्त इधर किनारे में जाने में जो फटती है ना, भैया आराम से ब्लॉग बनता रहेगा, फिर से थोड़ा साइड हो जाए भाई, थोड़ा पानी, निर्मल भाई फट रही है ना इधर खड़े होने में बहुत ज्यादा भैया, और ये पानी बिल्कुल नहाने लायक नहीं है। ए भाई 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 किनारे हो जाने, फट जाएगी फट जाएगी। ये देखो भाई कांप रहे हैं यार इधर खड़े होने में। हाँ भैया, मतलब एक होता है ना, अब पता नहीं कितना गहरा होगा, काफी गहरा है। जा पूछ क्या भाई साहब, कोशिश करना कि थोड़ा सुबह आना ना तो पहले यहीं पहुंचना, पराठे वराठे बाद में खाना, धूप हो गई है, लेकिन हाँ उतना भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी गाड़ी चलाएंगे। एक तो बगल में शिव जी की मूर्ति है 50-60 फीट की, एग्जैक्ट हाइट अभी मुझे याद नहीं है, मैं गया था वहाँ पे, मैंने रील बनाया था, तो वहाँ चलेंगे, वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर वहाँ से सीधे घर, और वहाँ भी मुश्किल से मुश्किल हम लोग रुकेंगे 20 मिनट। तो ये था भैया रानी का तालाब, और अच्छी लोकेशन है, अगर आप लोग इधर आते हो तो ज़रूर एक विजिट कर सकते हो। धूप इतनी तेज निकल गई कि पानी, बस मौसम का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत प्यारा लगेगा। पानी उबाल मार रहा है। ऋषि भाई कुछ कह रहा है क्या? अगर जिसको थोड़ा भी जिसका ऑरा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेडिटेशन करते हो क्या तुम? ऑरा अगर किसी का स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फील कर पाएगा, बहुत तगड़ी नेगेटिव एनर्जी है। तो मैं आगे भी गया था तो फिर वापस आ गया, मैं शाम गए। कहाँ पे? वहीं पे आगे जस्ट इस साइड है, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी इस साइड। तो कैसे हम लोग को कैसे फील होगा वो? लाइक ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब मेडिटेशन करने से होगा। निर्मल भाई कुछ फील हुआ ऐसा नेगेटिव वाला? ये तो भैया निर्मल है, इनको क्या, तुमको नींद आई है समझे, नींद आई है और धूप लग रही है, वही नेगेटिव एनर्जी लग रही है। जिसका शैडो वीक होता है उसको नेगेटिव एनर्जी फील होता है। तो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे? नहीं, हनुमान मंदिर है यार, नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है।
तो दोस्तों अभी हम लोग रानी का तालाब से जा रहे हैं, एक चनेथू गांव है वहाँ पे चंद्रमोलेश्वर मंदिर है शंकर जी का, शिव जी की वहाँ पे 50-60 फीट की मूर्ति है और ये जंघई रोड जा रहा है रास्ता, ये तो आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा जंघई रोड की तरफ। बाकी गूगल मैप लोकेशन क्या आपको डालना है वो मैं लिख दूंगा टाइटल्स में। तो चलो हर हर महादेव। हर हर कैसे हो लौंडो, मजा आ रहा है? ये देखो कपल्स है, कपल्स। अभी हम लोग आ चुके हैं चंद्रमोलेश्वर मंदिर है यहाँ पर, और शिव जी की प्रतिमा की साइज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता लेकिन लगभग 50-60 फीट ऊंची प्रतिमा है और मंदिर का नाम है चनेथू चंद्रमोलेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी लगभग कितने टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बज रहे हैं और मजा आया, मजा आया। तो गाँव 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 कमर मेड़ा, मेड़ा। कमर कैसा है आपका? कमर की बैंड बज गई भाई, भाई साहब। और ये मंदिर है यहाँ पे हम लोग दूसरी बार आ चुके हैं, दूसरी बार आ रहे हैं भाई। वहाँ से मात्र 24 किलोमीटर था लेकिन और लगा क्योंकि पता है गांव देहात का रास्ता था ना, हाईवे नहीं था। और ये मंदिर है और ये बगल में अपने भोले बाबा है, ऐसा लग रहा है वैभव। बढ़िया, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वर्ग जैसा लग रहा है कि महादेव की गोद में आ गए हम लोग ना, वहीं जाके लेट जाए बस उनके हाथ में। क्या बात है भाई, यहाँ पे देखो सब रील बना रहे हैं, कितना मजा आएगा। देखो अभी रील इनका जो बन रहा है बार बार। इतनी बड़ी शिव की प्रतिमा देखी होगी? नहीं, हम दिखाते हैं आपको, है ये अपने प्रयागराज से मात्र 53 किलोमीटर दूर हंडिया गांव में स्थित चनेथू गांव में, और ये अपने प्रयागराज की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। तो आइए आपको इसको कह रहा चना, कह रहा चने में, कह रहा हंडिया गांव में चनेथू गांव में चनेथू, उसके बाद जो हुआ है वो भी रिकॉर्ड हुआ है। अभी देखो वैभव बनाएगा, आओ बनाओ बनाओ। क्या दोस्तों आप इसे प्रयागराज से 53 किलोमीटर दूर, आइए आप सबको भव्य दर्शन कराते हैं। लगभग 60 फीट ऊंची ये मूर्ति है और बगल में मंदिर है, तो मंदिर के अंदर हम लोग चलते हैं दर्शन करते हैं। और टंकार नहीं है चनेथू गांव हंडिया, मतलब इतना दूर 53 किलोमीटर सिर्फ हम लोग आए, सिर्फ पता है किस लिए? इन दोनों भाई को सुलाने, सुलाने के लिए। ये दोनों भाई आराम से सोएंगे इसीलिए आए हैं हम लोग। क्या हो रहा है, लाइट कैमरा ये सब क्या है, क्या है? और यहाँ पे जो है अंदर माँ दुर्गा का आप लोग दर्शन कर सकते हैं, माँ दुर्गा साक्षात। बोलो साचे दरबार की जय। ए जयकारा वगैरह नहीं लगा रहे हो तुम लोग? ये देखो यहाँ शिव जी के दर्शन आप कर सकते हो, क्या बात है। सच्चे दरबार की तुझने कोई गम किया चैन नहीं दूं, तू मान मेरा एहसान तुझे पान नहीं दूं। पान नहीं दूं। ऐ वतन मेरे वतन, ताली ताल पे नहीं आ रही है सबसे बड़ी बात, ऑफ बीट पे आ रही है। मेरा बाद तू सो जाओ ला भैया ग्रहण के दान दे। तो भाई ये हमारी सेकंड डेस्टिनेशन पे आने के बाद इन लोग की ये हालत हो चुकी है, तो चलो भाई छोला समोसा खाना जिसको चले। तो अभी वारी गांव में हम लोग हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर है वहां से मंदिर से। तो यहां पे हमारे भाई मिल चुके हैं जो कि हमारा वीडियोस देखते हैं, तो यूट्यूब पे देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे? इंस्टा पे देखते हैं। यूट्यूब पे भी देखिएगा, जो आपका वीडियो भी बन रहा है वो यूट्यूब पे आएगा, घुमक्कड़ प्रयागी के नाम से है यूट्यूब पे। और जो है बढ़िया यार हर जगह, मतलब इतने दूर हम लोग 50 किलोमीटर दूर है, अपने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं भाई। क्या छोला समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं प्रयागराज शहर की तरफ। सुबह से सिर्फ चाय गिरा रहा है भाई, 5-7 कप चाय गिरा चुका है सुबह से। नहीं बता रहे हैं कि रानी का तालाब जो है वो वहाँ पे मतलब कुछ है, नेगेटिव एनर्जीज है, जो कि ऋषि भाई बता रहा था। उनका कहना है कि मतलब नींबू काट के सिंदूर वगैरह पता नहीं, मतलब टोना टोटका वहाँ पे होता रहता है। और ऐसा भी सुनने में आया कि वहाँ पे जो है कई लोग मारे भी गए हैं वहाँ पे ना, तो थोड़ी खतरनाक जगह है।
और हमारे इसी भैया जो है वो पहले ही बता रहे थे कि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है और लोग क्या कह रहे थे इस बात पे, लेकिन कोई मान नहीं रहा, मान नहीं रहा था। और अभी यहाँ के जो लोकल भाई हमारे हैं जो कि लोकल यहाँ रहते हैं, इनको पता है रानी का तालाब, तो वहाँ लोग आते जाते हैं, लेकिन रात के टाइम में थोड़ा अलग ऐसा सुनने में आता है भूत प्रेत का वहाँ पे है। तो उसके बाद वीडियो मैंने एंड नहीं किया और मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि वो जगह भूतई है कि नहीं, लेकिन हाँ ऋषि भाई ने पहले एक अंदेशा जताया कि वहाँ नेगेटिव एनर्जीज उन्हें फील हुई, और बाद में वारी बगल में एक गांव था, नहीं वारी जो है जो हम लोग वहाँ गए थे सेकंड लोकेशन पर, तो उसके बगल में एक गांव था, वहाँ पर एक लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया हाँ ऐसा है वहाँ पर। तो आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताना। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स द्वारा वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे क्योंकि मौसम बढ़िया हो गया ना, ठंडी आ चुकी है, तो हाँ ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे ट्रैवल वाले। अब चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।